सो हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप अभी डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को फटाक कर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं इस पिक को ओपन कर लिया लाइटरूम ऐप के अंदर। तो आपको भी अपने पिक को लाइटरूम ऐप्स के अंदर ओपन कर लेनी है एंड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाऊँगा मैं सिंपल है इस लाइट ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से मैं आपको एक्सपोज़र को यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिखा देता हूँ और घटा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा देता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से जाता हूँ हाईलाइट्स में और हाईलाइट्स को यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ, और शेडो को यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। और वाइट्स को यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ देता हूँ एंड ब्लैक्स को यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन है ये थर्मामीटर, इस पर क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से लिखा हुआ सैचुरेशन, और सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जाना विब्रेंस में, और विब्रेंस में जाने के बाद विब्रेंस को यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। एंड बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से मिक्स टूल में, ऊपर लिखा मिक्स, इस कलर पर क्लिक कर देना। एंड इसके बाद आपको इस वी को यहाँ से थोड़ा सा छेड़ देना, ठीक है। और सैचुरेशन को भी यहाँ से थोड़ा सा छेड़ देना एंड लुमिनस को यहाँ से थोड़ा सा छेड़ देता हूँ। इसके बाद मैं सिंपल यहाँ से जाऊँगा इस येलो कलर के अंदर एंड इसके वी को यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और सैचुरेशन को यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और लुमिनस को यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, जाता हूँ ग्रीन कलर के अंदर और हेवी को यहाँ से मैं भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड सैचुरेशन को भी यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इस लुमिनस को यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और हेवी को एक बार कम कर देता हूँ और कम कर देता हूँ। इसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड इसके बाद जाऊंगा सिंपल में इस वाले टूल्स के अंदर, और इसको यहाँ से थोड़ा छेड़ देता हूँ। इसके बाद जाऊंगा इस वाले टूल्स ब्लू के अंदर, और ब्लू यहाँ से थोड़ी कम कर देता हूँ हवी को, एंड सैचुरेशन को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और लुमिनस को यहाँ से कम कर देता हूँ। इसके बाद जाऊँगा यहाँ से पिंक कलर के अंदर, और पिंक को थोड़ा छेड़ देता हूँ। इसके बाद ऊपर से कर दूँगा मैं डन एंड डन करने वाला। यहाँ से मैं विब्रेंस को यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग देख लिख लेता हूँ कि कहाँ पर कहाँ अच्छी लग रही, ठीक है ना गाइस। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया एंड इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डन। एंड डन करने के बाद गाइस, आपको नीचे जाना हो और यहाँ से इस इफेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ से क्लैरिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड डेज को यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है गाइस। एंड विग्नेट को यहाँ से थोड़ा सा मैं कम कर देता ताकि यहाँ पे ऊपर राउंड आएगा तो वो थोड़ा ब्लैक कलर का है, शेडो वाला, ठीक है। और मिड पॉइंट को यहाँ से मैं मिड पॉइंट में थोड़ा सा कम कर देता हूँ एंड फेदर को यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एंड राउंडनेस को भी थोड़ा ऐसे राउंड बनाऊंगा तो राउंड उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एंड हाईलाइट वगैरह यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और ग्रैंड अमाउंट को भी यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको करने के इस टाइप का आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी सारी, और करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना डन। एंड डन करने के बाद आपको सिंपल जाना पड़ेगा इस बार टूल्स के अंदर, और साथ पिंक को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये नहीं बढ़ाओगे तो ये सेटिंग खुलेगी नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं खुलेगी तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देना, इसके बाद आपको ऑफ कर देनी। और रेडिस को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, आई थिंक रेडिस को कम देता हूँ, और डिटेल्स को बढ़ा देता हूँ, मैस्किंग को बढ़ा देता हूँ एंड नॉइस रेडिएशन को थोड़ा सा बढ़ देता हूँ, ठीक है ना गाइस। और डिटेल्स को बढ़ा देना है, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से मैं 81% के हिसाब से रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जाऊँ कलर नॉइस में, तो अपन को यहाँ पे अपना फेस इसको स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ एंड इसके बाद इसको भी डिटेल्स को बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ से मैं जाऊँ स्मूथ में, स्मूथ को मैंने बढ़ा दिया एंड अब मैं इसको 7 पिंक को कम कर देता हूँ,
कमेंट के बाद आप देख सकते हो कि अपना फेस भी थोड़ा अच्छी तरीके से वॉश हुआ। एंड यहाँ पर जाता हूँ, कलर नॉइस में इसको फुल कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की अपने पिक बन चुकी हैं, तो इसको मैं कम कर दिया एंड इसके बाद इसको कर दिया डन। तो डन करने के बाद आप देख सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर, पहले किस टाइप की पिक थी एंड अब किस टाइप की पिक बन चुकी है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पिक तो अपने बनकर तैयार हो चुकी है। एंड अब इसको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो थ्री डॉट दिखा हुआ है ना, ये थ्री डॉट, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है शो टू डेविस, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद और टैप करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक होगा तो इसको हटा कर आपको हाईटेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल कर देनी, ठीक है ना। इसके बाद कर लो तो मैं ओके, तो क्या होगा कि अपनी पिक जितनी ज़्यादा एमबी होगी उतनी ज़्यादा एमबी हाई क्वालिटी में शो हो जाएगी। तो ये शो हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक और ये फाइनली शो हो चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे एडिटिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और गाइस आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।